Assalamualaikum viewers, welcome to Daily Happen। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। जी तो आज हम आपके साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो कि है ब्रेन मसाला। तो चलिए देख लेते हैं उसे बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जी तो ब्रेन मसाला बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये है, हमें चाहिए यहाँ पर ब्रेन, तो ये आप बकरे का भी ले सकते हैं, गाय का मगज़ भी ले सकते हैं। तो ये एक मगज़ है, इसको हमने हल्दी वाले पानी में बॉयल कर लिया था और इसकी वेंस भी साफ कर ली थी। साथ ही हमें चाहिए दो बड़े साइज़ की प्याज, इसको हमने ऑमलेट कट कर लिया है, मतलब इसको हमने चॉप कर लिया है। साथ ही हमें दो बड़े साइज़ के टमाटर चाहिए, इसको भी हमने चॉप कर लिया है। साथ ही हमें चाहिए 8 से 10 हरी मिर्चें। अदरक चाहिए हमें तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा था, हमने उसको जूलन कट कर लिया। और चाहिए हमें हरा धनिया। साथ ही हमें अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए 2 टेबल स्पून। मसालों में हमें चाहिए 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप सादी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। साथ ही हमें चाहिए 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और नमक चाहिए हमें हसब ज़रूरत। चलें हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक पैन ले लेना है और उसमें 4 से 5 टेबल स्पून हमने डाल लेना है ऑयल। ऑयल डालने के बाद आपने इसके अंदर डालनी है प्याज, ठीक है, प्याज डाल लें आप इसके अंदर। और प्याज डालने के बाद आपने प्याज को सौते करना है, याद रखें आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना है, इसको हमने सॉफ्ट करना है, सिर्फ इसको सौते करना है। तो इसको हम सौते करेंगे। तो देखें यहाँ पर हमारी प्याज अच्छे से सौते हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर डाल लेना है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो हमें सारा लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको इतना भूनना है कि इसका जो इस महक होती है, स्मेल होती है इसकी लहसुन अदरक की, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जी तो देखें यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट जो है अच्छे से भून चुका है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर डाल लेने हैं टमाटर, और टमाटर डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। जी तो साथ ही आपने इसके अंदर डाल लेने हैं सारे मसाले, मसाले डालने के बाद आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और इसके अंदर तकरीबन आपने 1/2 कप पानी ऐड कर देना है ताकि जो है हमारा मसाला बिल्कुल ड्राई ना रहे, ठीक है जी। 1/2 कप पानी इसके अंदर ऐड कर दें और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाने के लिए छोड़ देना है। जी तो देखें यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मैं कवर हटा के देख लेती हूँ। यहाँ पर हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, आप चेक कर लें। अगर आपके टमाटर जो है नहीं हुए हैं सॉफ्ट तो आप इसको 2 से 3 मिनट तक पका सकते हैं। यहाँ पर भी टमाटर जो है अभी कसर बाकी है तो मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाऊँगी। और तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आपने इसके अंदर क्या करना है, मगज़ डाल लेना है। मगज़ डालने के बाद इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाला और मगज़ जो है एक जान हो जाए, ठीक है जी। आपने मगज़ को तोड़ भी लेना है साथ ही, क्योंकि मगज़ बहुत ही साबुत सा होता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से तोड़ लें और बिल्कुल इसको हलवा नहीं करें, हल्का हल्के से आप इसको मिक्स करें। बस मिक्स करने के बाद फिर हम इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। तो देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हमने कवर हटा लिया और यहाँ पर हमारा मगज़ जो है ब्रेन मसाला वो बिल्कुल तैयार हो चुका है।
इसको आप देख लें एक दफ़ा, ये बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर डाल लेनी है जी अदरक, जो हमने अदरक जूलियन कटिंग करके रखी थी, अदरक डाल लेनी है। साथ ही आपने इसके अंदर हरी मिर्ची भी डाल लेनी है और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमारा ब्रेड मसाला हो गया तैयार। मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो देखें, यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा ब्रेड मसाला हो गया तैयार। इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।